Please subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं पार्ट टू के नए एग्जाम नोटिस के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, हमारा ऑफिशियल पेज है LNMU यूनिवर्सिटी का। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है। सभी छात्र छात्राओं को अन्य संबंधित व्यक्तियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2019 के लिए परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.lnmu.ac.in पर ऑनलाइन के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको LNMU की ऑफिशियल वेबसाइट lnmu.ac.in पे आपको फॉर्म जमा करवाना है। ठीक है दोस्तों, और जो परीक्षा प्रपत्र स्वीकार करने की जो तिथि है बिना विलंब दंड के, ठीक है दोस्तों, बिना एक्स्ट्रा चार्ज के, वो है 11 फरवरी 2019 से 20 फरवरी 2019 तक। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको जल्दी से इसी डेट के अंदर फॉर्म फिलअप कर लेना दोस्तों। अगर और ये इसका दोस्तों हमारे चैनल पर ही फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आप सबसे पहले देखें कैसे फॉर्म फिलअप करना, और फॉर्म फिलअप करते समय कुछ गलत मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, और सामान्य विलंब दंड शुल्क के साथ 30 रुपये लिया जाएगा दोस्तों आपसे 21 फरवरी से 28 फरवरी तक। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ। सभी छात्र छात्राएं ऑनलाइन के माध्यम से भरे हुए परीक्षा प्रपत्र की प्रिटेंट प्रतिलिपि निकाल कर अपने अपने महाविद्यालय में निश्चित रूप से जमा कर देंगे। मतलब दोस्तों, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा उसका एक प्रिंटेड कॉपी निकाल लेना दोस्तों, और वो अपने कॉलेज में जमा करना होगा। ठीक है दोस्तों, प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि छात्रों द्वारा जमा किए नए गए परीक्षा प्रपत्र की जाँच कर प्रिंटेड प्रतिलिपि सहित एक समय की सूची बनाकर परीक्षा विभाग को निर्धारित अंतिम तिथि के 2 दिनों के बाद अवश्य ही उपलब्ध करा देंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही याद यदि छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा प्रपत्र भरते समय पूर्व निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया हो तो शेष शुल्क महाविद्यालय में जमा लेकर उसे रसीद देंगे, और यदि प्रपत्र में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो अपने स्तर से उसे सुधार कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब प्रधानाचार्य के बारे में लिखा हुआ, आपके जरूरी का नहीं है। ये आपके जरूरी का दोस्तों बस यही है, आपको 11 फरवरी 2019 से 20 फरवरी 2019 तक आपको ये फॉर्म जमा करवाना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये 5 फरवरी 2019 का अपडेटेड है, और इसमें बताया हुआ 5वें नंबर पर NCCF पटना को इस आशय के साथ कि वे दिनांक 10/2/2019 से विश्वविद्यालय के वेबसाइट डॉट की परीक्षा प्रारूप उपलब्ध करा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ 10 फरवरी को इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ये फॉर्म भरने वाली साइट को उपलब्ध करा देंगे। ठीक है दोस्तों, 10 तारीख को उपलब्ध करा देंगे, तो आप 11 फरवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।